हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। अभी हम हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पर धनकोट के पास, सेक्टर 9900 गुड़गांवा, और ये है पैकेज 3 का फ्लाईओवर द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि लगभग 8.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। इस पर फ़िलहाल अभी इसको शुरू नहीं किया गया है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जितनी दूर तक इसमें अभी हम जाके देख सकते हैं वो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। ये एलिवेटेड पार्ट है, ये वाला पार्ट अभी पब्लिक के लिए नहीं खोला गया है, और इसमें अभी ऊपर कितने कितने काम हुए हैं, क्योंकि DBM यहाँ कंप्लीट हो चुका है और मार्किंग भी आप देख सकते हैं यहाँ हो चुकी है। 4 लेन का ये हाईवे है। दाएं साइड में देखेंगे पेंटिंग का काम अभी हो रहा है इस पे। DBM की फाइनल कोट के बाद ये लाइनिंग जो मार्किंग से ये हो चुकी है इसमें, और क्रैश बैरियर सब तैयार हैं। बिजली पोल यहाँ तक लग चुके हैं। अच्छा, यहाँ के बाद यहाँ कुछ हिस्सा है जो कि अभी इनकम्प्लीट है। दिखाता हूँ अभी आपको, ये देखिए अब हम आ गए हैं इसके मिडल वाले हिस्से में। यहाँ फ्लोरिंग का काम हो चुका है और अभी ब्लैक टॉप इस पे होना है। DBM ये यहाँ तक इसमें कंप्लीट हो गया। अभी जो सर्विस रोड के लिए जो फ्लाईओवर है उसमें भी फ्लोरिंग का काम हो चुका है, ब्लैक टॉप इसमें भी यहाँ तक हो गया है। इसमें भी क्रैश बैरियर भी बनाए जा रहे हैं दोनों साइड में। उसके बाद इसमें ये इसकी एस्फॉल्ट सरफेसिंग, मतलब ये DBM का काम किया जाएगा। यहाँ सस्पेंशन जॉइंट जो है वो लगेगा अभी बीच में। यहाँ अपनी गाड़ियों के लिए इन्होंने यहाँ पे वैसे इसको फिल किया हुआ है, जिससे कि इनकी गाड़ी यहाँ से जा सके, क्योंकि ये इनके लिए तो लगभग कम्प्लीट है ये। विंग्स लगाने के बाद यहाँ फ्लोरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ब्लैक टॉप दोनों साइड से कंप्लीट होता हुआ आया है। इस साइड में इस वाली रोड पे देखते हैं, ये NH 48 की साइड जाते हुए जो मेन हाईवे का कैरिज वे होगा, यहाँ भी ये ब्लैक टॉप इसमें कंप्लीट हो चुका है। और इस वाले हिस्से भी यही है, अभी फ्लोरिंग कंप्लीट है और क्रैश बैरियर्स का कुछ काम ये जैसे ये बचा हुआ है, यहाँ ये कंप्लीट है, यहाँ कुछ काम बचा हुआ है, और अभी इसको फाइनल करने में ये लोग लगे हुए हैं। यहाँ भी ऐसे इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है अपने लिए, खुद की गाड़ी इनकी यहाँ से जा सके। और इस साइड वाला जो सर्विस रोड वाला जो फ्लाईओवर है वो भी देखते हैं वो कितना बना दिया इन्होंने। ये पाइप्स यहाँ डाले जाते हैं ये इनके बीच में, जिससे कि जो लाइट जो इनकी लगेंगी उसमें केबल्स डाली जाएंगी लाइट्स के लिए उसके लिए। ये देखिए यहाँ भी सेम यही है, कंप्लीट है, फ्लोरिंग कंप्लीट है और ब्लैक टॉप इसमें कंप्लीट हो चुका है। जो बीच वाला हिस्सा है बस उसमें ही काम बचा हुआ है फाइनल। ये क्रैश बैरियर इस साइड के बचे हैं, इधर बाएं साइड के, उसके बाद ये ब्लैक टॉप इस पे होना है। ये सामने है बसई रोड, यहाँ से सामने जो गांव है वो बसई है, और यहाँ पे ये सेक्टर 9900 है, इसके बाद धनकोट है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर।
तो ये सेक्शन अभी तक तो कुछ लोगों के ड्रोन वाली वीडियोस में देखा था, आज खुद भी देखा। अभी हम यहाँ थे, इस एलिवेटेड वाले सेक्शन में हम गए थे ऊपर, और इस पे देखा हमने DBM का काम जो है काफ़ी हिस्से में हो चुका है। जो मिडल वाला हिस्सा है उस पे फ्लोरिंग हो चुकी है, और जो क्रैश बैरियर्स हैं उन्हें बनाने का काम अभी हो रहा है उसके ऊपर, और जल्दी ही उसमें भी DBM का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फाइनल ही है, क्योंकि इसमें विंग लगाने का काम अब कहीं नहीं बचा है, और फ्लोरिंग सभी जगह कंप्लीट है। ये है बसई रोड, धनकोट वाला चौक। यहाँ से दाएं बाएं साइड जाएंगे तो धनकोट, और दाएं साइड जाएंगे तो बसई। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नए अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में अपने फीडबैक बताते रहिएगा। थैंक यू।